हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अ स्मॉल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द टॉपिक कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट. सो कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट का चैप्टर में से वी आर डिस्कसिंग द थर्ड पार्ट, दैट इज डिस्काउंट पार्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्काउंट, ये जो पोर्शन का आप बात करोगे, दैट इज डिस्काउंट एरिया का, व्हेन वी टॉक अबाउट, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, ऑन व्हाट डू वी गिव डिस्काउंट, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम ये पहला कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट किसके ऊपर होता है. सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस. सो दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट प्राइजेस, राइट? सो दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट प्राइजेस. ये रहेगा कौन सा प्राइस है? लिस्ट, प्रिंटेड, मार्क्ड, कैटलॉग प्राइस. तो ये वर्ड दिया रहेगा ना. सो दिस आर द प्राइजेस कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइस, दैट इज बिफोर एनी डिस्काउंट. इसके ऊपर अभी तक हमने डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया है. वी हैव नॉट अप्लाइड डिस्काउंट ऑन दिस. तो सबसे पहला, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. समझो ये आपका जो ग्रॉस प्राइस है, सपोज इज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया है ग्रॉस प्राइस. मतलब इस पर डिस्काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर, करेक्ट? तो इसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेशन होगा. तो सबसे पहला कौन सा डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा? ट्रेड डिस्काउंट. किसके ऊपर होगा? ग्रॉस प्राइस पे. कितना परसेंट? सपोज आई टेक इट एज 10%, तो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा सर? 10% ऑन 10,000. तो आप कैसा कैलकुलेट करोगे सर? 10% ऑन 10,000. सो आप करोगे, दैट विल कम टू रुपीज 1,000, बराबर? सो मेरा ग्रॉस प्राइस जो है वो 10,000 है एंड ट्रेड डिस्काउंट इज रुपीज 1,000. गेटिंग द पॉइंट? क्या करेंगे हम डिस्काउंट? ऑब्वियसली डिस्काउंट विल रिड्यूस द प्राइस. डिस्काउंट से क्या होगा? जो पैसे हमको भरना है उसमें कमी होगा, रिडक्शन होगा. सो डिस्काउंट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट. सो क्या करेंगे हम? 10,000 में से, 10,000 में से वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. सो 10,000 में से आप माइनस कर दो. सो 10,000 से हम माइनस करेंगे 1,000 को, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा 9,000. व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 9,000, करेक्ट? दिस 9,000 इज कॉल्ड एज द इनवॉइस प्राइस. सो कैसा है इनवॉइस प्राइस? ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. क्या मीनिंग है इनवॉइस का सर? इनवॉइस का मीनिंग होता है बिल. इनवॉइस का मीनिंग होता है बिल. सो बिल के ऊपर कितना रुपया आएगा? नॉट 10,000, स्ट्रेट 9,000. सो बिल कितने का बनेगा? 9,000 का बिल बनेगा, राइट? अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमको सर? उसके ऊपर फिर हम कैलकुलेट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट. समथिंग कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट. सो विल कैलकुलेट कैश डिस्काउंट. सपोज कैश डिस्काउंट इज 5%. समझो कैश डिस्काउंट 5% है. सो 9,000 पे 5% आप करोगे, दैट कम्स टू 450 रुपीज. दैट कम्स टू वॉट? 450 रुपीज. तो ये 450 रुपीज हम किससे माइनस करेंगे सर? वेरी लॉजिकल, ये 10,000 से नहीं करना है, 1,000 से भी नहीं करना है. कौन सा प्राइस पे कैलकुलेट किया हमने? कैलकुलेट किया 9,000. तो सब्ट्रैक्ट भी कहां से होगा सर? 9,000 से सब्ट्रैक्ट होगा, करेक्ट? तो 9,000 माइनस 450 इज 8,550. दिस इज कॉल्ड एज माय नेट सेलिंग प्राइस. व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज माय नेट सेलिंग प्राइस. नेट सेलिंग प्राइस मतलब क्या? दैट इज द फाइनल प्राइस विच कस्टमर विल पे टू अस इफ वी आर द सेलर. और दिस इज द फाइनल प्राइस विच द सेलर विल रिसीव. सेलर ये प्राइस में आपको सामान बेच रहा है, 8,550. आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट. सो दैट इज योर नेट सेलिंग प्राइस. अच्छा सर, ये नेट सेलिंग प्राइस के अंदर होता क्या है? सो नेट सेलिंग प्राइस के अंदर अगर हम चेक करेंगे, तो नेट सेलिंग प्राइस के अंदर वी विल हैव टू इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. वन इज योर कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, करेक्ट? इसके अंदर सेलर का अपना कॉस्ट प्राइस छुपा हुआ है और अपना प्रॉफिट छुपा हुआ है. नाउ व्हाई शुड यू अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज एग्जामिनेशन में समटाइम्स दे आस्क यू टू फाइंड आउट प्रॉफिट, समटाइम्स दे आस्क यू टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस.
तो इस तरह से दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू हैव टू एज्यूम, सपोज दे से प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट, सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. समझो, यही प्रॉब्लम मैं कंटिन्यू करता हूं. ये क्या है बच्चों, दिस इज माय नेट सेलिंग प्राइस, ये मेरा नेट सेलिंग प्राइस है, करेक्ट. तो ये मेरा नेट सेलिंग प्राइस है, तो एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट 20% है कॉस्ट प्राइस पे, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, करेक्ट. तो क्या करेंगे हम, हमको तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, वही हमको ढूंढना है. तो जैसे हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा, तो वी कैन एज्यूम लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स. इसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे सर, इसके ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, विच इज 20% ऑफ एक्स. सो यू से इट एज 20x/100. गेटिंग? अच्छा, अभी ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड करूंगा, तो सर मुझे क्या मिलेगा, सर मुझे मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस, बिकॉज हमने क्या बोला, नेट सेलिंग प्राइस के अंदर मेरा कॉस्ट प्राइस है विच इज एक्स, एंड मेरा प्रॉफिट है विच इज 20x/100, विच इज 20x/100. आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस. अच्छा, अभी मेरे पास नेट सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी है. व्हाट इज द नेट सेलिंग प्राइस, 8550. तो हमने क्या करना है, 8550 इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर दो, सो x/5, करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, दैट विल बी 5x/x/5. So that will be 8550 is equal to 6x/5. Solve कर दो तो आपको x का value मिल जाएगा, and that x is nothing but your cost price. What is that x? That x is my cost price. I hope you are clear. So this points जो हमने लिखा हुआ है is very very important. क्या क्या points है, net selling price is invoice price minus cash discount. Profit किसके ऊपर होता है, normally cost के ऊपर होता है. एंड नेट सेलिंग प्राइस के अंदर कौन कौन है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, करेक्ट. तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका ग्रॉस प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करो, तो नेट सेलिंग प्राइस आ गया. या कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट एड करो, आपको नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा. सो दैट इज अ टू वे अप्रोच, दैट इज कॉल्ड ऊपर से माइनस करते करते आया, या कॉस्ट में एड करो तो आपको नेट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. सो दिस इज अ टू वे अप्रोच टू द क्वेश्चंस. आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस. दिस इज अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ऑफ लिस्ट प्राइस, करेक्ट. अभी इसका हम क्वेश्चंस अगर देखेंगे, इफ यू सी द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आया हुआ है, देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. मैं आपका सब क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं, सर कैसे होगा. तो क्विक रिवीजन करता हूं मैं आपका क्वेश्चंस का. सपोज आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 का मैं बात करता हूं. तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखेंगे, तो क्या दिया हुआ है बच्चों, रेगुलर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन लिस्ट प्राइस, फर्दर 5% फॉर कैश पेमेंट, एंड नेट व्हाट इज द नेट प्राइस इफ द गुड्स आर लिस्टेड एट 2600. गुड्स आर लिस्टेड एट 2600. तो व्हाट इज दिस, वेरी ऑब्वियस, मेनी विल से सर दिस इज माय लिस्ट प्राइस, करेक्ट. अच्छा, ये क्या बोला है, रेगुलर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन लिस्ट प्राइस एंड 5% फॉर कैश पेमेंट. सर 5% फॉर कैश पेमेंट तो हमको समझ गया सर, कैश डिस्काउंट है. तो जो पहला वाला डिस्काउंट है बाय डिफॉल्ट क्या होगा सर, सर इट हैज टू बी ट्रेड डिस्काउंट, इट हैज टू बी ट्रेड डिस्काउंट. आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट. सो दैट इज हाउ वी डू इट. मतलब हमारा लिस्ट प्राइस कितना हो गया, 2600. इस पे क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे. कितना परसेंट करेंगे, 20% करेंगे, तो क्या आएगा, 520 आएगा. इसको क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस से माइनस कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इनवॉइस प्राइस, हमको मिलेगा इनवॉइस प्राइस. कितना मिलेगा, 2600 माइनस 520, 2080 मिल गया. इसके ऊपर मैं क्या निकालूंगा सर, 5% कैश डिस्काउंट निकालूंगा सर, तो 5/100 इंटू 2080, दैट इज 104. सर 104 आ गया, तो कैश डिस्काउंट को मैं क्या करूंगा सर, इनवॉइस प्राइस से माइनस करूंगा सर, तो मुझे मिल जाएगा नेट सेलिंग प्राइस, दैट इज 2080 माइनस 104. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है,
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट. सो इस तरह से हमने चेक किया वन ऑफ द क्वेश्चंस. आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अभी समझो कुछ क्वेश्चन है जहां पर रिवर्स जाना पड़ता है. कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको रिवर्स जाना पड़ेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स जाना पड़ेगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर आप अपना देखोगे, क्वेश्चन नंबर 16. सपोज आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16, तो आप यहां पर देखो, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट. व्हाट विल बी द नेट प्राइस मार्क्ड एट 1600? नेट प्राइस मार्क्ड एट 16, मतलब सेम है, नेट प्राइस 1600 है. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कैश डिस्काउंट माइनस करो, नेट सेलिंग प्राइस, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बराबर. अच्छा, अभी इसमें 17th में बात करूं तो उल्टा है मेरे ख्याल से. देखो, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउज 15% ऑन लिस्ट प्राइस, 5% फॉर कैश पेमेंट. व्हाट इज द लिस्ट प्राइस इफ द नेट अमाउंट इज 38,356.25? सो नेट प्राइस इज 38,356.25. सो ये नेट प्राइस दे दिया है. क्या दे दिया है? नेट प्राइस दे दिया है. सर, ये क्वेश्चन में नेट प्राइस दिया है और हमको लिस्ट प्राइस ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम? वी हैव टू वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन. वी हैव टू वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो कैसा करेंगे हम? विल बी वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन. किस तरह से हम करेंगे? विल एज्यूम द लिस्ट प्राइस टू बी एक्स, करेक्ट. तो एक्स ले लिया हमने, इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, 15/100 इनटू एक्स. माइनस करेगा तो क्या मिलेगा मुझे? इनवॉइस प्राइस, x माइनस 15x/100, दैट इज 85x/100. इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करूंगा? सर, आई विल कैलकुलेट 5% कैश डिस्काउंट. क्या कैलकुलेट करूंगा? 5% कैश डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट विल बी 5/100 इनटू 85x/100, करेक्ट. तो क्या आ जाएगा? देखो, 425x/10,000, ये हो गया कैश डिस्काउंट. इसको किससे माइनस करूंगा? सर, इनवॉइस प्राइस से माइनस करूंगा तो नेट सेलिंग प्राइस आएगा. तो मैं क्या करने वाला हूं? इनवॉइस प्राइस से माइनस करने वाला हूं. तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस विल बी इनवॉइस प्राइस विच इज 85x/100 माइनस 425x/10,000. माइनस कर दो आप तो आपको मिल जाएगा आपका नेट सेलिंग प्राइस. क्या मिल जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं एलसीएम करता हूं तो 10,000 इज एलसीएम. तो 8,500 माइनस 425x/10,000, दैट इज 8,075x/10,000. एंड मेरा नेट सेलिंग प्राइस कितना था बच्चों? दैट वाज 36,356.25. कितना था? 36,356.25, करेक्ट. सॉल्व कर दो, x का वैल्यू मिल जाएगा. एंड व्हाट इज माय x? लिस्ट प्राइस. आई होप यू आर क्लियर. सो हमने दोनों क्वेश्चन ले लिया है, फ्रॉम लिस्ट प्राइस गिवन नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस गिवन टू लिस्ट प्राइस. ओके, फाइन, बाय बाय. थैंक यू ऑल फॉर दिस 10 मिनट्स वीडियोस. बाय, सी यू ऑल, गॉड ब्लेस.